जीरो बजट TLM मेला का गुरुवार को नारवन परिसर में आयोजन किया गया। शून्य निवेश पर काम करने वाले शिक्षकों के कुछ बच्चों द्वारा जो अनुपयोगी चीजें हैं उससे कुछ कार्य करें, उससे सीखें, इस उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि वे जनपद के जो हमारे शिक्षक हैं वे आए हुए हैं और अपनी अपनी लगभग 70 स्टॉल लगाए हैं जिसमें बच्चों ने अपने हाथों से कार्य किया है जिससे उनके अंदर कुछ करने की प्रवृत्ति पैदा हो, इस उद्देश्य से ये कार्य किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रतिभागी बच्चों और BSA भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा। गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर और हम सभी नवाचारी शिक्षकों ने, हम सभी ने बेसिक शिक्षा विभाग को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का, तो शिक्षा के प्रति जिसपे लगातार काल को अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा रहेंगे। इसलिए पहले हमारा देश है, विद्यार्थी की व्यवस्था की जाए, विद्यार्थी वापस ना जाए। बहुत धन्यवाद। हम सब लोग इसका सहयोग करें, ये ना नीचे लगा दो। हम सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होगा। ऐसा हम लोग का प्रयास हो रहा है, वापस नहीं जाएंगे। अब सबके लिए गोरखपुर, इसलिए अपनी ऊंचाइयों, इसलिए इस तरह से पढ़ाइए, इस तरह से काम कराइए, इस आदेश में बारे में वो जो बनाई हो ये बनाई हो जाइए, इसके बारे में बताओ। बन के ऊपर बादल बन जाता है, फिर वही ठंडी होकर पानी के रूप में बढ़ जाता है, ऐसे चक्र चलता है। क्या बनाए हैं आप आज? मैं 2013 में मैंने वो स्टार्ट किया। गांव में एक मैसेज आया कि एक माँ है, उसके 3 बच्चियाँ लड़कियाँ हैं और वो प्रेग्नेंट थी। हर बुजुर्ग जो था उसको एक ही आशीर्वाद दे रहा था, 3 लड़कियाँ हैं तो अब भाई होना चाहिए, अब बेटा होना चाहिए। और उस औरत के ऊपर इतना प्रेशर था, मतलब पति का, सास का, मोहल्ले का। वो लेडी ये कह रही थी कि अगर मेरी अब की बार लड़की हो तो मैं सुसाइड कर। जब मुझे वो मैसेज मिला तो मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल वाला काम था, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। इतना सब बोलने के बाद भी उसके वो बेटी ही, और फिर उसकी ये हालत थी कि उसके घर में, परिवार में कोई उसके आसपास नहीं था, अकेली वो पढ़ी थी, बेटी पढ़ी, और उसकी पोजीशन ऐसी थी जैसे नहीं उसने बहुत मतलब गलत काम किया हो या बहुत पाप हो गया हो। ऐसे ही बैठे बैठे मुझे लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उस बेटी का भी सम्मान बना रहे और बेटी को जन्म देने वाली माँ का सम्मान। शायद बहुत जरूरी है, स्कूल चलो अभियान रैली, जागरूकता रैली, मतदान वाली रैली, मतलब तमाम। मैं माधव यादव,
पिन बनाकर लाए हैं। एक्सप्लेन करो बताओ जो बता रहे थे भी। ये तीन खाने हैं, ये दो रंगा है जो ये अंश में लिख देते हैं, और जो मिलाकर तीनों भुजा तीनों खाने घर में लिख देते हैं। अंजलि मौर्य, ये सब बताओ। जल चक्र का मतलब है कि जो पानी इधर मतलब कि तालाब वालाब में रहता है वो ऊपर भाप बनकर उड़ जाता है, और क्या बोलता है जब ठंड बादल बन जाता है फिर ठंडी होकर वर्षा के रूप में नीचे भर जाता है। ये सब जो बनाई जल चक्र अरविंदो सोसाइटी द्वारा लगाई गई। हमारे जो टीचर्स हैं जो अपने नवाचार करते हैं, नए नए काम करते हैं शून्य निवेश पे, कि बिना एक पैसा खर्च हुए कुछ किए हुए बच्चों के अंदर जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उससे कुछ कार्य करें, उससे सीखें। इस उद्देश्य से यह जो मेला लगाया गया है, बाहर आपने देखा वो लगा है, पूरे जनपद के जो हमारे टीचर्स हैं वो आए हुए हैं और अपने अपने स्टॉल लगे हैं, लगभग 70 के आसपास स्टॉल लगे हुए हैं आपने देखा, और जिसमें बच्चों ने अपने हाथों से कार्य किया जिससे उनके अंदर कुछ करने की प्रवृत्ति पैदा हो, इस उद्देश्य से यह कार्य किया गया है शासन की मंशा के अनुसार, प्रशासन की मंशा के अनुसार, जिससे कि बच्चों के अंदर कार्य करने की क्षमता, उनमें गुणवत्ता बैठे, उनके व्यक्तित्व का विकास हो, इस उद्देश्य से।